वेलकम ऑल डियर स्टूडेंट्स एंड डॉक्टर्स इन आयुर्वेदा अध्ययन ई लेक्चर सीरीज. टुडे इज अ 15th लेक्चर, दैट इज शंखवटी. शंखवटी इट्स अ वेरी बेसिक ड्रग्स इन डेली क्लिनिकल प्रैक्टिस. मोस्ट ऑफ आयुर्वेदा फिजिशियंस यूजिंग दिस ड्रग. सो लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन. आज के सेशन की शुरुआत करने से पहले हम हमारे आयुर्वेद के आद्य प्रवर्तक श्री भगवान धन्वंतरी का नमन करेंगे. ओम श्री धन्वंतरे नमः. दिस इज अ रेफरेंस ऑफ शंखवटी दैट इज इन योग रत्नाकर. और शंखवटी के बारे में आगे जानने के पहले शंखवटी के बारे में हम कुछ बातें आपसे शेयर करेंगे. शंख इज अ चीफ इनग्रीडियंट ऑफ दिस पर्टिकुलर मेडिसिन, सो इट्स कॉल्ड एज शंखवटी एंड इट इज अ वत्सनाभ एंड कज्जलीयुक्त खरलीय रसायन कल्प. एंड आज का जो सेशन है उसमें हम लोग शंखवटी के बारे में और क्या रेफरेंसेस है उसकी भी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे. लगभग दो रेफरेंसेस हमें देखने को मिले, एक है महाशंखवटी, दूसरा है शंखवटी, कोई जगह पे बृहद शंखवटी, कोई जगह पे लघु शंखवटी का भी उल्लेख आया है. तो चलिए आगे जाते हैं और देखते हैं सारे रेफरेंसेस के बारे में, उनके डिटेल्स के बारे में और हमारे जो पद्धति है उस प्रकार से व्याधि अधिकार कंटेंट इंग्रेडिएंट के सब के बारे में. ये रस औषधि क्षार का रेफरेंस है, ये महाशंखवटी का रेफरेंस है. तो ये टेबल में हमने सबको कंक्लूड किया है. रस औषधि सागर ग्रंथ में महाशंखवटी का उल्लेख किया है जिसमें ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स है. और रस कामधेनु भी महाशंखवटी का उल्लेख किया गया है. भैषज रत्नावली में एक अध्याय में शंखवटी का, दूसरे जगह पे महाशंखवटी का उल्लेख है. योग रत्नाकर एम रसारणो हैज मेंशन शंखवटी. तो चलिए आगे जाके देखते हैं कि महाशंखवटी और शंखवटी में क्या डिफरेंसेस है, दोनों में क्या कंटेंट है और उनके फंक्शंस क्या है. इंग्रेडिएंट्स, सो दिस इज़ अ पीपीटी शोज इंग्रेडिएंट्स ऑफ महाशंखवटी. तो महाशंखवटी में जनरली पंचलवन 20 पार्ट में लिया गया है पंचलवन में. और उसके बाद सर्व क्षार दैट इज सुई स्नुई क्षार, चिंसा क्षार, अर्क क्षार, कदली क्षार, तिलक क्षार, सज्जी क्षार, यव क्षार और टंगन 12 पार्ट्स में है. शंख भस्म 4 पार्ट में है. शुंठी है, मरीच चूर्ण, पिंपली चूर्ण है, नींबू स्वरस के 60, हिंगू, चित्रक चूर्ण, ये सारे कंटेंट है. और भावना जो है उसको वो चुक्र स्वरस की दी है. इसमें शुद्ध मनशिला के बारे में कोई रेफरेंसेस में मनशिला का उल्लेख नहीं है, कोई रेफरेंस में मनशिला का उल्लेख आया है. तो हम आगे जाते हैं. ये शंखवटी का रेफरेंस जनरली बहुत सारी फार्मासीज ये रेफरेंस से मेडिसिन बनाती है जिसमें कज्जली, योगवाही, शुद्ध वत्सनाभ, चिंताक्षार, लवन पाचक, पंचक, पांच प्रकार के लवन, शंख भस्म और हिंग का उल्लेख है. तो हम आगे के स्लाइड में डिटेल में एक एक के बारे में जानकारी लेंगे. शंखवटी या महाशंखवटी में पहला है सर्वक्षार. जो सर्वक्षार है उनका गुणधर्म है तीक्ष्ण, उष्ण और उनकी जो एक्शन है दैट इज़ अग्निदीपक, पाचक, भेदक, वातानुलोमक एंड शूलहर. अभी ये प्रॉपर्टी से हम चीफ समझेंगे कि वात शंखवटी का जो आगे का कार्य है तो ये सारे गुणधर्म पे बेस है. वाता के डिसऑर्डर पे कैसे काम करती है तो ये गुणों से काम करती है. आगे है पंचलवन. तो पंचलवन के प्रॉपर्टीज तो आपको पता है, दे आर अग्निदीपक, पाचक एंड अनुलोमक. मुख्य इसका जो इंग्रेडिएंट्स है दैट इज शंख भस्म. शंख भस्म के बारे में हमने आगे पहले भी जानकारी दी है. तो शंख भस्म इज अग्निदीपक, पाचक, वातनाशक एंड चीफ एक्शन ऑफ शंख भस्म दैट इज शूलघ्न. त्रिकटु को हमने यहाँ पे कंबाइन किया है, सुंठ, मिरी, पिंपली. इनका जो गुण है दैट इज तीक्ष्ण एंड उष्ण और इसकी जो एक्शन है वो अग्निदीपक, पाचक एंड ग्राही. उसके बाद हिंगु. हिंग जो है उसका जो चीफ कर्म है दैट इज वातनाशक, कफनाशक, शूलघ्न, अग्निदीपक, पाचक और आधमान नाशक, अनाह नाशक. चित्रक, चित्रक उष्ण तीक्ष्ण गुणात्मक है, अग्निदीपक और उसका जो कटु रसात्मक है और पाचन करने में श्रेष्ठ है.
अजमोदा, अजमोदा अग्निदीपक है, पाचक है और वातनाशक है, यह उसके कर्म है। जीरक, जीरक जो है, जीरक जो है वो दीपक, अग्निदीपक पाचन करने में श्रेष्ठ द्रव्य है। हम आगे देखते हैं, दैट इज जायफल। तो जायफल जो है वो अग्निदीपक, ग्राही, वेदनाहर, ये उसका एक्शन है। लवंग का एक्शन हम सभी जानते हैं, लवण अग्निदीपक न है, कफग्न है, कज्जली, योगवाही, रसायन, ये उसका चीफ एक्शन यहाँ पे है। शुद्ध वत्सनाप, शुद्ध वत्सनाप और यहाँ पे जो लिया है वो कम मात्रा में है, उसका उद्देश्य योगवाही द्रव्य है, कम मात्रा में मेडिसिन को अपने टारगेट ऑर्गन तक पहुँचाना, ये हमारे आयुर्वेद की फार्माकोलॉजी का उद्देश्य है। तो ये आम पाचक योगवाही करके यहाँ पे काम करता है। शुद्ध मनशील, मनशील अगेन वातनाशक, योगवाही द्रव्य है। और लिंबू सोरस, तो ये सारे द्रव्य को लिंबू सोरस का उद्देश्य, ये अग्निदीपन, उत्तम आम पाचक और श्रेष्ठ वातानुलोमन द्रव्य है। और ये सारे मेडिसिन को जो भावना दी गई है, दैट इज चुक्र सोरस भावना, मराठी में इसे अंबटचुका कहते हैं। तो ये जो उत्तम आम पाचक है, श्रेष्ठ वातानुलोमक द्रव्य है, तो ये सारे मेडिसिन को इस द्रव्य की भावना दी गई है। तो इसी द्रव्य से इसका प्रिपरेशन होता है। तो हम आगे जाके देखेंगे गुणधर्म के बारे में। शंखवटी के हमने अभी तक जितने भी स्लाइड देखे तो उसमें हमें समझ में आया होगा कि ऑल जो द्रव्य है, वो जो द्रव्य उसमें लिए हैं इंग्रेडिएंट्स, तो सभी जो काम करते हैं वो वातानुलोमन काम करते हैं, उष्ण तीक्ष्ण विरयात्मक है, क्षार लिए है, लवण लिए है। तो ये सारे को एक्शन कैसा रहेगा तो हम इस स्लाइड में अभी देखेंगे। तो गुणधर्म एज वी डिस्कस अर्लियर, एक्शन ऑन वाता वात दोष, दैट इज वातानुलोमन, स्ट्रांग एक्शन, पित्तवर्धन, कफनाशन कार्य। सो ये कौन सी धातु पे जनरली काम करता है? तो रस और मांस धातु पे काम करता है, मल और मूत्र पे इस पे एक्शन है। और कौन से स्रोतस इसमें इन्वॉल्व है? तो महास्रोतस, दैट इज अन्न व स्रोतस, जनरली आमाशय पश्चिमाशय, प्राण व स्रोतस, अन्न व स्रोतस, रक्त व रस व स्रोतस, मांस व स्रोतस, ये स्रोतस पे शंखवटी की एक्शन देखने को मिलती है। शंखवटी कौन से अवस्था में काम करती है? तो अवस्था काफ़ी इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन ऑफ एनी मेडिसिन। तो ये साम एज वेल एज निरम अवस्था में काम करने वाली एक उत्तम औषधि है। और अग्नि पे, तो ये अग्नि पे उत्तम अग्निदीपन ऐसे काम करती है। जितने सारे इंग्रेडिएंट्स हैं उनका अगर हम बर्मिनेशन कॉम्बिनेशन निकालते हैं तो हम लोग ये समझ सकते हैं कि रस इसका जो है अम्ल कटु, वीर्य उष्ण है और विपाक कटु है। और हम पांचभौतिक तत्व से इसका समझने की प्रयास करेंगे तो बेसिकली ये पृथ्वी तत्व का क्षरण करता है, आप और अग्नि का वर्धन करता है, वातानुलोमन करता है और आकाश की वृद्धि करता है। इस प्रकार से इसका पांचभौतिक प्रिंसिपल हम समझ सकते हैं। अभी हम देखेंगे कि मात्रा, काल और अनुपान। तो शंखवटी जनरली मात्रा, काल, अनुपान, शंखवटी का प्रमाण जो दिया है उनका ग्रंथोक्त प्रमाण है वो 1 से 2 गुंजा तक है। तो हम इसको 125 mg टू 250 mg या 250 mg, तो मैक्सिमम उसका डोज हम 500 mg तक दे सकते हैं। इसका अनुमान जो है, अनुपान हम उष्णोदक के साथ, तक्र के साथ, लिंबू स्वरक के साथ या गोघृत के साथ दे सकते हैं। काल, तो ये जनरली मॉर्निंग इवनिंग में बिफोर फूड हम दे सकते हैं। और काल मर्यादा जो ग्रंथकार सिद्ध औषधि ग्रंथ संग्रह ने बताई है, मैक्सिमम 8 to 15 days हम शंखवटी का पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो गुणधर्म, गुणकर्म हम देखेंगे, मेडिकल यूज़। तो पहला रेफरेंस है योग रत्नाकर का, क्षय ग्रहणी और रक्तपित्त इसमें आया है। दूसरा है रस औषधि सार, रस औषधि सागर ग्रंथ में, तो उन्होंने अजीर्ण में शूलनीय परिनाशन विसूचिका इस उन्होंने बताया है। तो हम अभी आगे के स्लाइड में डिटेल में देखेंगे कि कौन से मेडिकल कंडीशन में शंखवटी का उपयोग हम कर सकते हैं। तो पहला है दैट इज अजीर्ण। तो जनरली शंखवटी के जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं तो वो कैसे काम करते हैं, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इन इन दिस स्लाइड। वी हैव फोकस सम इम्पोर्टेंस ऑन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो
but our aim is to explain you not a disease, ये कल्प कैसे काम करता है ये हमारा बताने का आपको उद्देश्य है. तो पहला जो मेडिकल कंडीशन है दैट इज अजीर्ण अपचन. सो ऑल डिसीजेस ऑकर्स ड्यू टू अग्निमांद्या एंड इनडाइजेशन. इन ऑल डिसीजेस शंखवटी वी कैन यूज विच हैविंग वेरी गुड एक्शन एज वेल एज इट कंटेन्स बिकॉज इट कंटेन्स पंचलवन क्षार. सो इन दिस कंडीशन इट एक्ट एज अ अग्निदीपन एंड पाचक. तो जो पहली कंडीशन है दैट इज आमाजीर्ण. तो आमाजीर्ण जैसे डेवलप होता है बिकॉज ऑफ कि ज़्यादा हम लोग जो व्यक्ति है रुग्ण है आफ्टर कंजम्पशन ऑफ फूड पेशेंट सफर्स विथ ब्लोटिंग इन एबडोमेन हैवीनेस देर इज हाइपर सलाइवेशन इन माउथ नॉशिया वोमिटिंग. इन दिस कंडीशन द कफ प्रधान सिम्टम्स आर देयर आमाजीर्ण वी कैन से. इन दिस कंडीशन ऑल्सो शंखवटी हैविंग वेरी गुड रिजल्ट एंड पेशेंट गेट सिम्टमलेस बाय दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स. सेकेंड इज वात प्रधान विष्टप्ता जीर्ण. सो ये जो कंडीशन है इसमें भी शंखवटी अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं. इसकी जो संप्राप्ति है या कारण है या पैथोलॉजी है आफ्टर कंजप्शन ऑफ वी कैन से वातवर्धक फूड्स लाइक चना दाल या उसके पदार्थ वाटाना या गुरु पदार्थ जैसे एग्स है चिकन है इनका पचन न होने के कारण इनडाइजेशन के कारण जो पेट में उदर शूल तीव्र उत्पन्न होता है और जब पेशेंट को हम लोग उदर पे प्रेस करते हैं तो ठीक लगता है और वात का संचय होने से उदर में ब्लोटिंग ज़्यादा होता है. इस अवस्था में विष्टप्ता जीर्ण कंडीशन में शंखवटी को हम लोग लिंबू सरस के अनुपान से रुग्ण को देते हैं तो तात्काल अन्न पचन करके और ब्लोटिंग को भी कम करके वातानुलोमन को कम करके शूल का प्रशमन करती है. तो इस प्रकार से आमाजीर्ण विष्टप्ता जीर्ण ये अवस्था में शंखवटी एक उपयुक्त मेडिसिन है. तो हम आगे देखते हैं और कौन से अवस्था में हम इसे यूज़ कर सकते हैं और दैट इज़ अतिसार एंड प्रवाहिका. तो अतिसार और प्रवाहिका दोनों भी जो मेडिकल कंडीशन से इट ऑकर्स ड्यू टू अग्निमांद्य. तो अग्निमांद्य होने से ये सारे डिसीजेस तैयार होते हैं. तो यहाँ पे हमने अतिसार के प्रकार बताया है और यहाँ पे उसकी संप्राप्ति दिखाने का प्रयास किया है. जब हमारे डिसीज़ वाइज लेक्चर शुरू होंगे तो ये सारे विषय पे हम लोग फोकस करेंगे. हमारे यहाँ पे उद्देश्य है कि अतिसार के कौन से लक्षण में शंखवटी हम यूज कर सकते हैं. तो जो आम के लक्षण रहते हैं उस लक्षण में उत्पन्न जो अतिसार या प्रवाहिका है उसमें दोष विदग्ध होने से पेशेंट को अनेक बार शौच को जाने के पड़ता है. लूज मोशंस बार बार होते हैं और लूज मोशन होने के बाद भी उसको पेट भरा हुआ लगता है. देयर इज अ ब्लोटिंग इन एब्डोमेन. सो इस अवस्था में आमदोष का पाचन करके वातानुलोमन करना जरूरी है और शंखवटी में ये दीपन पाचक ग्राही अनुलोमक इसका कार्य है. उसके वजह से ये सारे कंडीशन को ठीक करने में शंखवटी हैज़ अ वेरी गुड ऑप्शन. सो वातातिसार कफातिसार इन अवस्था में शंखवटी हम यूज कर सकते हैं. डेफिनेटली उसके रिजल्ट्स अच्छे हैं. तो हम आगे जाके देखते हैं और कौन से मेडिकल कंडीशन में दैट इज़ ग्रहणी विकार. तो इस स्लाइड में आपने देखा रहेगा कि ग्रहणी का रीज़न जो है उत्पत्ति का दैट इज़ मंदाग्नि और विटिएटेड वात दोष और उसके सिम्टम्स और यहाँ पे हमने उसके कारण भी बताया है. तो ग्रहणी के सारे केसेस में तो शंखवटी का उद्देश्य नहीं है. ग्रहणी के तीक्ष्ण अवस्था में तो उसका उद्देश्य उपयोग नहीं है. वातज ग्रहणी में जब आम दोष के लक्षण तैयार होते हैं तो उस अवस्था में ही शंखवटी उसकूल है आम पाचन करके वात का शमन करने के लिए और अग्नि का प्रतिपन करने के लिए शंखवटी एक उपयुक्त मेडिसिन है. और ग्रहणी विकार में जब ग्रहणी अवयवपाक धातुक्षय लक्षण उत्पन्न होते हैं तो उस अवस्था में शंखवटी के बदले हम पर्पटिकल्प का उपयोजन कर सकते हैं. तो इस ग्रहणी विकार में वातज ग्रहणी में जब आमदोष के लक्षण रहेंगे तभी ही इस कंडीशन में शंखवटी का उपयुक्तता है. चलिए तो आगे देखते हैं और कौन से मेडिकल कंडीशन में हम यूज़ कर सकते हैं. तो यहाँ पे बहुत सारे नाम है. तो ये सारे कंडीशंस मैंने यहाँ पे दिखाए हैं हमने उदर रोग गुल्म शोफ अर्श परिणाम शूल. तो ये बहुत बड़े मेडिकल कंडीशंस है बट इस मेडिकल कंडीशन के कुछ अवस्था में ही शंखवटी का उपयोग है ना कि सारी अवस्था में पूरे डिसीज़ को ये ठीक करेगी. तो हमने उसके अलग पीपीटी ना बना के यहाँ पे उनके नाम मेंशन किए. तो कैसे काम करती है तो ये सारी अवस्थाएं जो उत्पन्न होती है उसका अगर आप विचार करेंगे तो सभी पचन विकार है और इसमें अग्निमांद्य से ही उत्पन्न होते हैं. आनाह आदमान शूल और वात प्रधान लक्षण रहते हैं
तो इस अवस्था में लाक्षणिक चिकित्सा के स्वरूप शंखवटी का उपयोग है। ठीक है, तो इसी अवस्था में हम यूज़ कर सकते हैं। बाकी जो डिसीजेस है उनकी इटसेल्फ लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अलग अलग है, उनके अध्याय में जो आचार्य जी ने चिकित्सा सूत्र बताया है उनको फॉलो करना हमारा कर्तव्य है, उसी प्रकार से हमें ट्रीटमेंट करना है। तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ये सारे पाचन विकार अग्निमांद्य से उत्पन्न होते हैं और आनाह आदमान शूल वात प्रधान लक्षण जब रहते हैं तो शंखवटी उपयुक्त है। और लास्ट है परिणाम शूल। तो परिणाम शूल जनरली ये जो विकार है उसमें विबंध, ब्लोटिंग, कोष्ठशूल ये लक्षण उत्पन्न होते हैं, और आमाशय में ज़्यादा समय तक अन्न पड़ा रहता है तो उससे जो शूल उत्पन्न होता है, तो इस अवस्था में भी परिणाम शूल के वात शमन करने के लिए शूलग्न काम करना शंखवटी का अच्छा एक कर्म है। तो हम आगे देखते हैं और कौन से मेडिकल कंडीशन में हम शंखवटी यूज़ कर सकते हैं। कुछ रिसर्च पेपर में देखने को मिला कि एसिड पेप्टिक डिसऑर्डर में ये काम करती है, तो वो एक संशोधन का भाग है। तो हम आगे देखते हैं और एब्डोमिनल पेन, एब्डोमिनल पेन दैट इज शंख भस्म जो इसका मेन कंटेंट है इसका औषधि का, तो इट हैज़ पोटेंट एंटी स्पास्मोटिक एक्शन ऑन एब्डोमिनल मसल एंड इट रिड्यूसेस एब्डोमिनल क्रैम्प विच ऑकर्स ड्यू टू आइदर डायरिया और एनी अदर अंडरलाइंग कॉज। सो शंखवटी वर्क्स वेल विथ प्रवाल पिष्टि सूतशिखर इन स्पास्मोटिक डिसमेनोरिया ऑल्सो। तो ये सारे कंडीशन है कि जनरली शंखवटी के बारे में हम सोचेंगे तो शंखवटी उदर शूल में ज़्यादातर वैद्य यूज़ करते हैं। तो अभी हमने ये पांच छह कंडीशन देखी उसमें शंखवटी का उपयोग कैसे कर सकते हैं। और एक कंडीशन है कि दैट इज़ विसूचिका, विसूचिका में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। दैट इज़ आमाशय पक्वाशय में क्षोभ होने के कारण पेशेंट को वोमिटिंग एज वेल एज लूज मोशंस होते हैं, उधर सर्वांग में सुई चुभने जैसी वेदना होती है, और इस कंडीशन में शंखवटी का उपयोग किया जा सकता है। चलिए आगे जाके देखते हैं कि और एक है दैट इज़ डिसपेप्सिया। तो डिसपेप्सिया में हम इसका यूज कर सकते हैं। वाई इट इज़ बिकॉज इट कंटेन्स पंचलवन, पंचक्षार, ऑल अदर इंग्रेडिएंट्स विच आर उत्तम अग्निदीपक। सो उत्तम अग्निदीपन उससे भूख लगना और अदर जो मेडिकल कंडीशंस है जैसे कि वात का अनुबंध होता है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, ये सारे कंडीशन को ठीक करने के लिए ऑल इंग्रेडिएंट्स अग्निदीपन, पाचन, आम दोष नाशन करते हैं, तो ये मेडिकल कंडीशन शंखवटी से ठीक हो सकती है। तो ये सारे कंडीशंस में शंखवटी का रोल एक अलाइड ड्रग की तरफ हम देख सकते हैं। एनोरेक्सिया में भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं। एनोरेक्सिया एक अलग डिसीज़ है बट लाक्षणिक चिकित्सा स्वरूप शंखवटी का उद्देश्य उसमें अच्छा है। सो कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, तो शंखवटी में बहुत सारे कंटेंट जो है तो उसका विचार करके हमें इसे प्रेगनेंसी में, लैक्टेशन में, छोटे बच्चों में उसको सावधानतापूर्वक या यूज़ नहीं करना चाहिए। सेकेंड, जो पेशेंट्स हाइपरटेंशन के हैं और उनको भी हम इसमें शंखवटी का उपयोग नहीं करना चाहिए। समरी, तो समरी में हम देखेंगे कि शंखवटी एक उत्तम अग्निदीपक, उत्तम आमपाचक कल मेडिसिन है जिसमें जितने भी कंटेंट यूज़ किए हैं दो प्रकार के हैं, एक महाशंखवटी और दूसरा है लघु शंखवटी या शंखवटी। तो महाशंखवटी का उल्लेख में पंचलवन, सर्वक्षार, चित्रकमूल बहुत सारे मेडिसिन है और उसको चुक्रस वरस की भावना है, और जो लघु शंखवटी है उसमें कज्जली, शुद्ध वत्सनाभ, चिंचाक्षार, लवण पंचक, शंख और हिंग है। तो ये सारे इसमें हमने देखा तो उसकी जो एक्शन है वो वातानुलोमक है, कफनाशक है, और जनरली अजीर्ण उसमें आमाजीर्ण, विषाक्तजीर्ण, विसूचिका, अतिसार, प्रवाहिका, ग्रहणी के वात प्रधान और आम लक्षण में, उसके बाद उदर शूल, गुल्म शोफ इसके अग्निमंदे के अवस्था में, और एब्डोमिनल प्रेन पेन और क्रैम्प्स और डिसमेनोरिया में भी ये काम करती है। तो ये सारे उसके हम लोग समरी के बारे में ध्यान में रख सकते हैं। सो शंखवटी इट्स वेरी बेसिक मेडिसिन डेली आयुर्वेदा क्लिनिकल प्रैक्टिस। बहुत सारे 99% मैं तो बोलूँगा कि वैद्य इसको लिखते हैं अपने प्रिस्क्रिप्शन में। आज का लेक्चर हम यहाँ पे समाप्त करते हैं, और सब आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू ऑल फॉर काइंड लिसनिंग आयुर्वेदा अध्ययन ई लेक्चर सीरीज़।
request from us, please.